नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है, कई लोगों को खुजली होती है दूसरों में उंगली करने की। यानी कोई व्यक्ति अगर अपना घर बना रहा है तो उस घर को गिराने के लिए कई सारी सोसाइटी या कई सारे एनजीओ, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी या कई सारे ऐसे लोग जिनको एक कीड़ा काटा हुआ होता है वो सामने निकल के आते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये कानून के खिलाफ है और ये नहीं बनना चाहिए, यहाँ तो इतनी ही बिल्डिंग है और यहाँ तो इतनी ही मंजिल है, यहाँ तो यही है। और वो क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं और वो बिल्डिंग तोड़वाने की कोशिश करते हैं या बिल्डिंग ना बनने देने की कोशिश करते हैं। उसी के ऊपर एक नया जजमेंट जो दिल्ली हाईकोर्ट ने पास किया है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन जो है, कोई भी मैं वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद है तो लाइक जरूर करें और दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, जिससे कि लोगों को भी जानकारी मिल सके, क्योंकि इस चीज से पीड़ित समाज में मैक्सिमम लोग हैं, दिल्ली के अंदर तो ज्यादा लोग हैं, कई जगह पे हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए चलता हूं टॉपिक की तरफ। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए कहा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया और कहा यह ब्लैकमेलिंग टाइप का मुकदमा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की और 50,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। अब आते हैं पूरा मामला क्या था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 50,000 रुपए जुर्माने के साथ एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में बिना किसी जानकारी के संपत्तियों पर कथित अनाधिकृत निर्माण का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने इसे ब्लैकमेलिंग टाइप का मुकदमा करार दिया। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसे कथित अवैध निर्माण के बारे में आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों से पता चला है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने, यानी डबल बेंच का जजमेंट है, खंडपीठ ने असहमत होते हुए कहा कि व्यक्ति बिना किसी होमवर्क के दायर की गई थी, याचिका किसी बिना होमवर्क के दायर की गई थी और केवल राह चलते कुछ व्यक्तियों के कहने पर दायर की गई है। पीठ ने कहा यह ऐसा तरीका नहीं है जिसमें याचिकाकर्ता जनहित याचिका दायर कर सके। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जब भी किसी अधिरचना को ध्वस्त किए जाने का मामला हो, भले ही वह प्रकृति में अवैध हो, याचिकाकर्ता को एक पक्ष प्रतिवादी के रूप में अधिरचना के मालिकों, कब्जाधारियों में शामिल होना चाहिए। कोई भी निर्माण अधिरचना के मालिक कब्जेदार की सुनवाई के बिना ध्वस्त नहीं किया जा सकता। फाइट फॉर राइट सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दायर याचिका में दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में कुछ संपत्तियों को चुनौती दी गई थी और आरोप लगाया गया था कि ये अनाधिकृत और अवैध निर्माण है और उन्हें संबंधित प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा ध्वस्त नहीं किया जा रहा। शास्त्री पार्क में ऐसे भी 5-5, 6-6, 7-7 फ्लोर की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। वहां कई लोग तो 8-8 फ्लोर की बिल्डिंगें बना के बैठे हुए हैं। अनाधिकृत तो है, लेकिन जिस व्यक्ति या जिस संपत्ति के खिलाफ ये एनजीओ या सोसाइटी जो है, इसने एक पीएल दाखिल किया था, वहां पे कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं रहा था तो गिराएगा किसको। फिजिकल हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस याचिकाकर्ता के वकील ने पूछा कि कोर्ट रूम में आकर क्या है, आकार क्या है, सॉरी कोर्ट रूम का आकार क्या है, क्या आप इसे देख सकते हैं और हमें बता सकते हैं। वकील ने आकलन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, जिसके बाद न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, आप उस कमरे का आकार नहीं बता सकते जिसमें आप खड़े हैं, लेकिन आप इस या आप एक इमारत को देखकर बता सकते हैं कि यह अधिकृत है या नहीं। तब याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है गया कि आसपास रहने वाले व्यक्तियों ने निर्माण की अवैधता के बारे में सूचित किया था। कोर्ट ने कहा जब हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से यह प्रश्न उठाया कि क्या याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उक्त 13 भवनों के बारे में कभी कोई सूचना प्राप्त की है, तो उत्तर नकारात्मक रहा। इस प्रकार इस याचिकाकर्ता ने यह प्रयास नहीं किया कि संबंधित प्रतिवादियों, अधिकारियों या किसी समक्ष प्राधिकारी के निर्माण के नक्शे आदि के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करे। कोर्ट ने जोड़ा ऐसा प्रतीत होता है कि यह जनहित याचिका नहीं है, यह एक ब्लैकमेलिंग टाइप मुकदमा है, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका को 50,000 रुपए जुर्माने के साथ निरस्त किया
और याचिकाकर्ता को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में 4 सप्ताह के रुपए जमा करने 4 सप्ताह में रुपए जमा करने का निर्देश दिया गया। पीठ ने कहा उपरोक्त राशि को उपयोग न्याय तक पहुंच कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। केस टाइटल था फाइट फॉर राइट सोशल वेलफेयर सोसाइटी बनाम वाइस चेयरमैन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कम चेयरमैन स्पेशल टास्क फोर्स और अन्य। मैंने कई बार देखा है साकेत के आसपास जो एरिया है, चाहे वो मालवीय नगर हो, हौजरानी हो, खिड़की एक्सटेंशन हो, मदनगिर हो, दक्षिणपुरी हो, खानपुर हो, कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं, कुछ ऐसे एनजीओज हैं जो कि लोगों को लेटर भेज के बकायदा उनसे पैसे वसूली करते हैं। कई बार तो मेरे पास कंप्लेन आ चुकी है ऐसे लोगों की, मैंने कई बार इनके खिलाफ कई सारे ठोस कदम भी उठाए हैं। लोग क्या करते हैं कि जहां देख लिया कंस्ट्रक्शन होता हुआ वहां उंगल करते हैं और कंस्ट्रक्शन रुकवाने का काम करते हैं कि कंस्ट्रक्शन रुक जाए जिससे कि वो व्यक्ति आए और चढ़ावा चढ़ाए। इसमें इस स्कैम में कई बार इन एरियो की लोकल पुलिस भी शामिल होती है, चाहे वो बीट इंचार्ज हो, बीट में तैनात कोई ऑफिसर हो या ड्यूटी ऑफिसर हो या फिर कांस्टेबल हो या हेड कांस्टेबल हो, ये लोग शामिल होते हैं। जैसे ही कंप्लेन मिलती है वो तुरंत वहां भागते हैं और स्टॉप करवा देते हैं कि आप क्लियरेंस लेकर आए या फिर आप परमिशन लेकर आए फिर आप बनाए। ये आए दिन समाज में चल रहा है, सतर्क रहें। और उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी और मैं फिर से उन सोसाइटी, उन पॉलिटिकल पार्टी, उन एनजीओ को सतर्क करना चाहता हूं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और ब्लैकमेलिंग का प्रोसेस चला रहे हैं और लोगों से अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं। सतर्क हो जाएं, वरना कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, जिस दिन आप पकड़े गए, जिस दिन गाज गिर गई, उस दिन तो खत्म है, जब तक चल रहा है तब तक आपका गोरख धंधा चल रहा है। तो ऐसे गोरख धंधों में भैया अक्सर लोग बच जाते हैं, लेकिन जब भी पकड़े जाएंगे तो परेशानी तो बढ़नी पड़नी है। तो इसीलिए मैं बार बार कहूंगा कि ये जो गोरख धंधे हैं ये बंद करें, लोगों को जो इनोसेंट पर्सन हैं उनको परेशान और शोषित करना बंद करें। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने और किसी व्यक्ति को अगर अच्छा वकील मिल गया तो फिर चाहे वो एनजीओ हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे सोसाइटी हो, बैंड बज जानी है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि भविष्य में ऐसा ना करें, क्योंकि एक जनहित याचिका से ये बहुत सारी चीजें सामने आती हैं कि किस तरह का गोरख धंधा चल रहा है और किस तरह की चीजें चल रही हैं समाज के अंदर, किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है, किस तरह से एक इनोसेंट व्यक्ति को फंसा कर या उसके काम को रुकवा कर उसको शोषित किया जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है और घर ना बनने देने की कवायद में लोग लगे हुए हैं। ध्यान रखें इस चीज को, बस इतना ही कहूंगा, रिक्वेस्ट इतनी ही रहेगी। साथ ही साथ ये जो चीजें हैं जो हाईकोर्ट ने आज किया है, हाईकोर्ट की दृष्टिकोण में आज आया है, ये आपकी दृष्टिकोण में हमेशा रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।